Hi friend, good morning. Today we have to also learn about the simple entry of the issue of the venture, means in installment. हमने कल बताया था कि लॉन्गसम जो है जर्नल परिस्थितिया मीन्स जर्नल एंट्री डिवेंचर का क्या होता है, कल मैंने बताया था. तो कंडीशन जो होता है आपको जर्नल एंट्री के दो होता है, एक लॉन्गसम होता है और एक होता है इन इंस्टॉलमेंट. यानी एकमुश्त है ना, पहले कंपनी में पढ़ा था आपने एकमुश्त अंशों का भुगतान, अब यहां पढ़ना है एकमुश्त डिवेंचर होल्डर का. जब कंपनी मांग करती है तो क्या करें, जैसे कि मैंने कल एंट्री बताया था. टुडे ऑल्सो यू हैव टू लर्न अबाउट द यानी कि हाउ कैन पे द अमाउंट ऑफ डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट बाय डिवेंचर होल्डर. यानी डिवेंचर होल्डर के द्वारा जब किस्तों में रकमों का भुगतान किया जाता है तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है. तो जर्नल एंट्री यहां पे आपको हम लिखने जा रहे हैं, उसको आपका कर्तव्य बनता है कि जो भी आपको आज रोजाना आप विद्यार्थी स्पेशली जो मेरे विद्यार्थी है लगभग जो मेरे 100-200 जो भी विद्यार्थी है उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप जो है इसको इग्नोर नहीं करेंगे, आप लोग जरूर रिकॉर्ड करेंगे. क्योंकि लॉकडाउन जब पूर्ण रूप से यानी कि समाप्त हो जाएगी, जब खुलेगी, तो इसके आगे मैं आपको क्लासरूम में पठन पाठ का कार्यक्रम शुरू करूंगा. इसलिए बार बार कहता हूं समय कम अवधि रहेगा एग्जामिनेशन के लिए, जो आपको दे रहा हूं उसको रिसीव करेंगे, उसके बाद मैं क्लास में आपको दूंगा. जो भी होगा क्लास में उसके आगे पढ़ाई होगी. तो इसलिए आज आपको सीखना है कि जब डिबेंचर होल्डर यानी किस्तों में डिबेंचर का भुगतान करती है तो उसका जनरल परिशिया क्या होती है, जनरल एंट्री क्या होती है, या जब कंपनी डिबेंचर की राशि का मांग किस्तों में करती है जनता से तो उसका जनरल एंट्री क्या होता है. देखिए यहां पे पहला यहां पे टॉपिक आएगा आपका व्हेन द शेयर होल्डर सॉरी डिबेंचर ऑल्सो यू आर रीडिंग डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट व्हाट विल बी एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी. इसको समझिए क्या लिखा गया है. इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन द डिबेंचर होल्डर इज पे द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट है ना, तो व्हाट विल बी एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी. यानी जब डिबेंचर होल्डर डिबेंचर की राशि का भुगतान किस्तों में करेगी तब कंपनी अपनी पुस्तकों में क्या जर्नल परिशिया करती है. तो वही जो आपने कंपनी में पढ़ा था सिंपल जो 9 एंट्री होता था है ना, यानी आवेदन की राशि प्राप्त करने का, एप्लीकेशन मनी रिसीव, ट्रांसफर करने का, अलॉटमेंट मनी का मांग करने का, फिर याचनाओं की मांग करने का, कॉल्स इन कॉल्स की मांग करने का. तो यहां पे वे सारी एंट्री में बस फर्क रहेगा शेयर और डिबेंचर का फर्क है. मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं कि डिबेंचर कंपनी पर लिए तो समझ लीजिए कि डिबेंचर पर लिए, अगर डिबेंचर पर लिए तो समझ लीजिए कि कंपनी पर लिए. मतलब इश्यू ऑफ शेयर और इश्यू ऑफ डिबेंचर में सिर्फ डिबेंचर और शेयर का फर्क है ना. वहां भी कॉल सीनियर होता था, यहां भी कॉल सीनियर मिलेगा. वहां भी कॉल सीनियर एडवांस पढ़ते थे कंपनी में, यहां भी आपको डिबेंचर में कॉल सीनियर एडवांस मिलेगा.
ओवर सब्सक्रिप्शन उधर भी पढ़ा करते थे, इधर भी आपको ओवर सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव, यानी यहां पे डिबेंचर भी आप लगा सकते हैं, व्हेन डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो पहला आपको एंट्री करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे एप्लीकेशन लिख सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट है इसका नरेशन होगा, बिन या फोर कुछ भी लगा सकते हैं, बिन डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट आता है टू नंबर, टू नंबर में वेंस ऑफ When the debenture application money transferred to debenture account, entry होगा percentage debenture एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू होगा परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ये रहा आपका दो एंट्री, बिन डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर, मतलब दो एंट्री दिया गया। ये एप्लीकेशन के समय जो एंट्री की जाती थी उसका दो एंट्री आपके सामने है। पहला जो है एप्लीकेशन की मनी प्राप्त करने का, फिर एप्लीकेशन की मनी को आपको ट्रांसफर करने का, किसमें डिबेंचर में। तो एक मिनट कैमरा देखते हैं, चल रहा है ना, चल ठीक है, थैंक यू, तभी चला ओके। बहुत दुविधा की बात है, क्या कीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है, इसके बाद हम अगला एंट्री जानेंगे, अगला एंट्री होता क्या है। अगला एंट्री आएगा एलोटमेंट की मांग कंपनी करेगी, एक दो तीन थ्री नंबर आएगा, व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, यानी आप बार बार कहता हूं यहां पे आप डिबेंचर लगाओ या ना, मतलब आपको और समझना है क्योंकि डिबेंचर की पढ़ाई हो रही है। व्हेन डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू मीन्स एंट्री होता है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। इसका नरेशन आप दिन लगा सकते हैं या फोर,
कुछ भी लगा सकते हैं, बींग अलॉटमेंट डिवेंचर, बार बार कह रहा हूं डिवेंचर लगा सकते हैं, बींग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, है ना। नेक्स्ट आता है फोर नंबर। अब ये डिवेंचर अलॉटमेंट की मनी को कंपनी ने डिवेंचर अलॉटमेंट मनी का मांग किया तो जनता इसका भुगतान करेगी। जैसे आप डिवेंचर खरीदे हैं तो कंपनी मांग किया है अलॉटमेंट का, तो आपको भुगतान करने का फर्ज है, तो भुगतान करेंगे आप व्हेन डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। मतलब यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा भुगतान करना, जनता भुगतान करती है तो कंपनी उसको रिसीव करती है, मतलब जनता भुगतान करती है तो कंपनी रिसीव करती है। यहां जनरल जो परिस्थितियां होती है कंपनी की बहियों में होती है, न कि जनता की बही में। लेकिन सोचने का एक तरीका होता है कि जनता भुगतान करेगी तो कंपनी प्राप्त करेगी, उसको अचीव करेगी, रिसीव करेगी। देखिए तो इसका एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज, यहां भी छूट गया है, टू परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, नेक्स्ट, अब कॉल्स की मांग करेगी कंपनी, यानी कंपनी जो है डिवेंचर जो कंपनी है डिवेंचर कंपनी अब अपने अब कॉल्स की मांग करेगी। कॉल्स मींस फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, यानी फर्स्ट कॉल के लिए भी दो एंट्री और फाइनल कॉल के लिए भी दो एंट्री। इसको देखें, थोड़ा कैमरा देखते हैं, ठीक है, ओके, तस्वीर आ रही है पूरा देख सकते हैं अभी। ठीक है, बार बार वॉच करना पड़ता है कि कहीं कट तो नहीं रहा है, इसलिए सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी कॉल्स की मांग करेगी, कॉल्स मींस फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। व्हेन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, तो एंट्री स्टूडेंट वही जो आपको लिखते थे, डिवेंचर डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ये आपका फर्स्ट कॉल की मांग की हुई एंट्रीज। अब यहां पे करने हैं नरेशन वही जो आप लोग लिखते थे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। नेक्स्ट आता है फर्स्ट कॉल की राशि प्राप्त करने पर, तो यहां पे हम टॉपिक बनाएंगे, ये आपका दो दो चार ये फाइव हो जाएंगे और ये सिक्स हो जाएंगे। व्हेन फर्स्ट, यहां पे आप डिवेंचर लगा सकते हैं क्योंकि डिवेंचर का है, यहां भी डिवेंचर।
When Dillinger first called money received. तो चलिए इसका एंट्री क्या होगा जरा ध्यान देंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट. वही नरेशन जो आप लिखते हैं बिंग लगाएंगे, बिंग या फोर लगाकर रिसिप्ट. ठीक है, तो देख लीजिए आपके दो एंट्री हो गए, इसको भी नोट करना है. ओके, थोड़ा देखते हैं स्टेंट क्या हाल है कैमरे का. ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री आती है. अब आपको सेवन और एट यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल की मांग करेंगे हम लोग. कंपनी जो है फाइनल कॉल का मांग करेगी तो उसका एंट्री क्या होगी. दो चार छह ये सेवन. वेन फाइनल एंड सॉरी सेकेंड एंड भी लिख सकते हैं. सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू या ट्रांसफर कुछ भी लिख सकते हैं. तो यहां भी आता है स्टूडेंट एंट्री परसेंटेज डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट. चलिए ये एंट्री रहा आपके सामने. अब इसको नेशनल लेकर हम लोग वही करेंगे, बीइंग या फॉर लगाकर कुछ भी लिख सकते हैं. यहां डिबेंचर आप लगा सकते हैं समझने के लिए. तो बीइंग या फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ट्रांसफर्ड या डिबेंचर लगाकर आप कर सकते हैं. ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट. नेक्स्ट आप फर्स्ट एंड फाइनल फॉर का पैसा का भुगतान आप करेंगे तो कंपनी प्राप्त करेगी. तो एक नंबर कंपनी प्राप्त करती है तो आप ये होना चाहिए कि आप लोग पढ़े थे कि प्राप्ति का लेखा माने कैश चेक या कैश से आता है. तो कंपनी के पास अगर कैश आता है तो कैश कौन सी या चेक आता है तो जस्ट ए पर्सनल अकाउंट बैंक होता है और उसको बैंक में कंपनी जमा करती है, इसलिए बैंक से लेखा करती है. जनरल एंट्री करती है तो देन वेन डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसिप्ट. तो वही जो बैंक से आप एंट्री करते हैं, अगर चेक जनता देगी तो चेक, चेक देगी तो बैंक से करेंगे और कैश देगी तो कैश करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट. चलिए बिंग या फोर लगा सकते हैं. परसेंटेज डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड. ओके, नाइन एंट्री जो होता है अब इसको समझना है. नाइन एंट्री मतलब जैसे कंपनी में पढ़े थे कि जब कंपनी शेयर इशू करती है, इशू ऑफ शेयर में जो पढ़े थे, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उस पर कुछ खर्चा होता है
जैसे फ्रेट टूनर वगैरह का खर्चा या कुली चार्जेज वगैरह या रास्ते का जो खर्चा होता है वो सब लग जाता है, या जो बच्चे जो 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 उसमें लगे हुए काम करने वाले पत्र पत्रिका को वाहक पत्र जो इधर उधर करते हैं, जो एक दूसरे जगह ट्रांसफर करते हैं, तो वो सब खर्चा होता है कंपनी का। तो उस खर्चे का लेखा का प्रभाव जो है क्या होता है यहां पे, व्हेन एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, यानी जब डिबेंचर इशू किया जाता है तो जो उस पर खर्चा होता है उस खर्चे का लेखा क्या होता है। तो यहां पे खर्चा खर्चा कंपनी के लिए लॉस होता है, खर्चा क्या होता है कंपनी के लिए लॉस होता है, इसलिए कैश गोज आउट होता है, इसलिए बैंक क्रेडिट होगा। और खर्चा हानि इशू ऑफ एक्सपेंसेस और इशू ऑफ डिबेंचर मीन्स नॉमिनल अकाउंट है, और ये नॉमिनल अकाउंट होगा तो इसलिए डेबिट होगा, और कैश गोज आउट होगा या चेक जो है तो आपको पता है। तो अधिकांश कंपनी या डिबेंचर में हम लोग बैंक से लिखा करते हैं, तो खर्चा नॉमिनल अकाउंट इसलिए डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट अप टू बैंक अकाउंट। ओके, नरेशन वही है, दिन लगा देंगे ये टॉपिक जो है ऊपर से, यहां इवेंट छोड़कर एक्सपेंसेस ये उतार देंगे डॉट 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 डॉट, यहां नोट कर लेंगे, फिलअप कर देंगे, आपका हो गया। ये 9 एंट्री सिंपल था जो आपको दिया गया। ओके, अब इसके बाद आपको जाना है कॉज इन एरर एंड कॉज इन एडवांस, कॉज इन एरर एंड कॉज इन एडवांस, ठीक है। तो पहले इसको नोट करें, देख लें पूरा बोर्ड पे साफ साफ, मैं भी चेक करता हूं कि ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फ्रेश है बच्चे, इसको नोट किया जाए। ओके तो नोट हो गया होगा विद्यार्थी। अब चलते हैं जो इसकी अगली पढ़ाव है, जो आगे आपको जनरल एंट्री सीखना है, इसके बारे में आगे आपको जानना है कि अब जनरल एंट्रिया क्या होती है, आपने लमसम पढ़ा, आपने इन इंस्टॉलमेंट है ना, ये दो चीज आपको आप जानते हैं। इसके बाद आता है कौन सी समस्या, तो इसके बाद जो है आपको कॉज इन एरर की समस्या आती है, कॉज इन एरर एंड ऑल्सो कॉज इन एडवांस। After that you have to learn over subscription. उसके बाद आपको over subscription के बारे में है ना पढ़ना होगा। तो चलते हैं आगे cause in error के बारे में जानते हैं, होता क्या चीज है, इसकी जनरल परिचया कैसे होती है, cause in error का अर्थ क्या होता है, कॉज इन एरर का अर्थ होता है बकाया रकम या जिस नहीं चीनी नहीं डाला है, पर डाल दीजिए चीनी, बढ़ा के लाइएगा। चलिए तो कॉज इन एरर का अर्थ क्या होता है, यानी बकाया याचनाएं, इसको इसका अर्थ क्या होता है, लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से जरा देखेंगे, व्हेन डिबेंचर होल्डर इज अनेबल टू पे अमाउंट द अलॉटमेंट और कॉस्ट आर कॉल्ड है ना कॉज इन एरर। मतलब जब कोई डिबेंचर धारी किसी याचना की रकम मीन्स अलॉटमेंट और याचना की अमाउंट का भुगतान यदि नहीं करता है ऑन टाइम, तो वह कॉज इन एरर में ट्रांसफर हो जाता है, मीन्स कॉज इन एरर कहलाता है। उस जो अमाउंट होता है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का, वो ऑलरेडी जो है कॉज इन एरर में ट्रांसफर हो जाता है। तो कहने का सारांश यह हुआ इसका शाब्दिक अर्थ मूल रूप से कि जब कोई ऋण पत्र धारी अलॉटमेंट या किसी याचना के अमाउंट का भुगतान है ना
जब कंपनी मांग किया था उस समय नहीं करता है तो उसे हम कॉल्स इन एरर कहते हैं। तो कॉल्स इन एरर सिंपली जो आपने कंपनी में पढ़ा था, यहां भी आपने वही पढ़ा है ना कि कॉल्स इन होता क्या है। अब इसके बारे में जाने कि जर्नल परिष्ठिया क्या होती है। अब जैसे कि आप पढ़ रहे हो तो पता चल रहा होगा कि कंपनी हमने पढ़ चुका है। बेसिकली जो मेरे विद्यार्थी हैं जो क्लासरूम में अभी उपस्थित लॉकडाउन के पहले थे, वो सब कंपनी इश्यू ऑफ शेयर पढ़े थे, फॉरफिचर इश्यू एंड ओवरसब्सक्रिप्शन वगैरह सब कुछ पढ़े थे। तो वो सब आपने पढ़ा तो ये आसान लग रहा होगा, मतलब जो इंप्रिया वहां होती थी यहां भी हो रही है, लेकिन सिर्फ क्या है तो डिबेंचर और शेयर का फर्क है। तो चलते हैं इसका जर्नल जानते हैं, जर्नल एंट्रीज क्या होती है। पहला यहां देखेंगे ये कौन सी एरर, मैंने बताया कि अलॉटमेंट में लग सकता है, फर्स्ट कॉल में लग सकता है या फाइनल कॉल में लग सकता है। लेकिन ध्यान रहे कौन सी एरर कभी भी आवेदन के समय इसकी याचनाएं नहीं की जाती है, यानी कॉल्स इन एरर का एंट्री कभी भी आवेदन के समय नहीं होता है या डेफिनेटली या हर संभव मुमकिन है ना। क्योंकि सबसे पहले कंपनी किसी भी जनता का आवेदन प्राप्त करती है, आवेदन प्राप्त करने के बाद है ना उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर करती है, फिर फर्स्ट कॉल में करती है, फिर फाइनल कॉल में करती है। तो जब मांग कर जर्नल परिष्ठिया जर्नल एंट्री होती है तो वहां से कॉल्स इन एरर स्टार्ट होता है, मींस अलॉटमेंट से शुरू होता है। तो कॉल्स इन एरर मींस अलॉटमेंट में पोस्ट हो सकता है, फर्स्ट कॉल में हो सकता है और फाइनल कॉल में हो सकता है। तो हम यहां पे विद्यार्थी ध्यान दे, अलग अलग न करकर हम कंबाइन एंट्री करेंगे। कंबाइन एंट्री तीनों याचनाओं का क्या होगा देखेंगे। बैंक अकाउंट डेली ओके, थैंक यू being allotment and cost money, यहां डिवेंचर लगा देंगे चलेगा क्योंकि आप सब कुछ समझ रहे हैं कि हाँ ये डिवेंचर चैप्टर चल रहा है। being डिवेंचर अलॉटमेंट एंड cost money रिसीव, यहां पे एक्सेप्ट एक्सेप्ट
द सम अमाउंट या एफ यू भी लिख सकते हैं, एफ यू अमाउंट। ओके, मात्रा को बताता है एफ यू, इसलिए एफ यू बेटर होगा। बढ़ते आगे, क्या लिखा हुआ है? तो आपने जाना कि यहां पे एंट्री जो है ये फॉल्स इन एरर, ये बैंक के साथ ही क्यों हुआ? ये तो पता है कि आपको ये कंपनी जब किसी अचना की मांग करती है तो जनता भुगतान करती है, मीन्स कंपनी जब किसी अचना का रकम प्राप्त करता है कॉल्स का तो उसकी लेखा होती है। फिर ये मांग के साथ क्यों नहीं हुआ, यानी अलॉटमेंट की मांग का जो जर्नल परिस्थितियां होती है, जर्नल एंट्री होती है, उसमें क्यों नहीं हुआ? फर्स्ट कॉल की मांग डिमांड के समय क्यों नहीं एंट्री हुआ? फाइनल कॉल के डिमांड के समय क्यों नहीं एंट्री हुआ? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो याद रखिए विद्यार्थी कि कॉल्स इन एरर और कॉल्स इन एडवांस का लेखा कदापि जो है मांग के समय नहीं की जाती है। हमेशा कंपनी जब किसी याचना की रकम की मांग करती है तो वहां पे जनता ने भुगतान नहीं किया, इसलिए उसका जनरल एंट्री जो होता है वो हमेशा जो है प्राप्ति के साथ होता है, किसी याचना की रकम की प्राप्ति के साथ होता है। मीन्स अब आपको समझ में आ गई कि मांग के समय कभी भी कॉल्स इन एरर और कॉल्स इन एरर का जर्नल एंट्रीज नहीं करेंगे, है ना? हमेशा जब जनता भुगतान करेगी उस जर्नल एंट्री के साथ कॉल्स इन एरर एंड कॉल्स इन एडवांस की जर्नल प्रविष्टियां की जाएगी। चलते हैं आगे, क्या है जरा देखेंगे। तो ये रहा जनरल एंट्री, कॉम्बाइंड एंट्री। कॉम्बाइंड एंट्री आपको हमेशा ये कंपनी में भी आपने पढ़ा था। नंबर टू, अब इसका क्या होता है, एक नोट में दे रहा हूं आप लोगों को। अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरर Amount of cause in error is never post on डिमांड, मीन्स पोस्ट ऑन डिमांड, यस मांग, डिमांड मीन्स मांग, याद रखेंगे। मीन्स अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरर इज नेवर पोस्ट ऑन डिमांड, यानी कॉल्स इन एरर का जो अमाउंट होता है कभी भी मांग के साथ उसका नहीं होता है, उसका एंट्री नहीं होता, उसका अमाउंट में नहीं रखा जाता है, बल्कि वह हमेशा यानी कि जनता जब भुगतान करती है, रिसीव करती है, उस समय इसका जनरल परिस्थितियां होती है, है ना? अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरर इज नेवर पोस्ट ऑन डिमांड, यानी मांग के समय इसका लेखा नहीं करेंगे, है ना? अब चलते हैं, अब इसके बाद आता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस होता क्या है? तो आपको एरर को ध्यान में रखना है, किसी भी चैप्टर को आप पढ़ते हो तो एरर बहुत बड़ा चीज है, एरर को ध्यान में रखते हुए आप जो है इसको कार्य कर सकेंगे। ओके, प्रैक्टिस लेते हैं। तो कॉल्स इन एडवांस के बारे में जानना है, कॉल्स इन एडवांस होता क्या है? एक्सेस मनी रिसीव बाय द कंपनी विच हैज बीन कॉल्ड ऑफ इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। मतलब इसका हिंदी जानेंगे, क्या हिंदी होता है? एक्सेस मनी रिसीव बाय द कंपनी विच हैज बीन कॉल्ड ऑफ इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। जब किसी कंपनी के द्वारा किसी याचना का, जिसका कंपनी ने डिमांड नहीं किया, डिमांड किया
लेकिन जितना मांग करना चाहिए था कंपनी को उतना रकम न मिलकर उससे ज्यादा रकम प्राप्त हो जाता है तो उसे कॉस्ट इन एडवांस करते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि एक्सेस मनी रिसीव बाय द कंपनी, मतलब जब कंपनी अधिक मात्रा में जो उसको मांग प्राप्त होना चाहिए तब उतना नहीं, उससे अधिक मात्रा में जब किसी याचना का अमाउंट है ना रिसीव हो जाता है तो वह कॉस्ट इन एडवांस में ट्रांसफर हो जाता है। तो चलते हैं, तो एक्सेस मनी रिसीव बाय द कंपनी विच हैज बीन कॉल्ड ऑफ इज नोन एज कॉस्ट इन एडवांस, ये होता है। अब इसका जर्नल परिचय क्या होता है, तो जर्नल परिचय विद्यार्थी ध्यान देंगे, जो जर्नल एंट्री होगा, एक मिनट मास्क पहन लो, जर्नल एंट्री होगा, मैंने बताया पहले इसको एग्जाम्पल समझ लीजिए, मतलब कहा है किसी याचना का अधिक रकम प्राप्त हो जाता है। जैसे सपोज दैट माना कि इसको एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं, ये मान लीजिए आप फर्स्ट कॉल है और यहां पे अलॉटमेंट है, मींस कहा गया अग्रिम भुगतान, यानी कौन सी एडवांस या अग्रिम भुगतान होता है, मतलब यदि कंपनी ने फाइनल कॉल का मांग नहीं किया था या फर्स्ट कॉल का मांग नहीं किया था लेकिन इस फर्स्ट कॉल और या फाइनल कॉल का अमाउंट जो है अलॉटमेंट में अगर जनता भुगतान कर देती है तो यह एडवांस हो जाता है अग्रिम। एज फॉर एग्जाम्पल मार्च का, जैसे कि आप किराए पे रहते हैं, जरा इसको समझना है, बड़ी अच्छी बात है। मान लीजिए सपोज दैट कि आप रेंटर हैं, आप किराए पे रहते हैं, आप जापान अमेरिका या इंडिया से बाहर कहीं व्यवसाय करते हैं, बीच बीच में आपको है ना कभी कभी जाना पड़ता है अपने व्यवसाय के क्षेत्र के उद्देश्य से, तो यहां पे आपको देखना है कि इसको रेंट पे समझना है कैसे समझना है। यहां पे मान लीजिए कि यह लैंड लोडर है या ऑनर ऑफ द रूम, ऑनर ऑफ द रूम यहां पे आता है रेंटर, ये दोनों के बीच संबंध होता है किराए लेने और किराए देने का, जरा समझेंगे। तो सपोज दैट यहां पे कुछ महीना रखते, मंथ रखते हैं, जैसे ये मार्च हुआ और ये हुआ जून, कोई रेंटर अगर मान लीजिए इंडिया से बाहर जाना चाहता है किसी कार्य के उद्देश्य, तो मकान मालिक जो यहां पे है वो मकान मालिक से मिलेगा और बोलेगा कि मैं बाहर जा रहा हूं है ना, आपको ये सूचना देने आया। मकान मालिक कहता है ठीक है आप कहीं भी जाओ लेकिन आप अग्रिम भुगतान करके जाओ, आप 3 महीने के लिए जाना है या 4 महीने या 5 महीने के, सपोज दैट मान लिया कि हम जून में वापस आ जाएंगे इंडिया से, ठीक है मार्च से आप आ जाएंगे इंडिया, तो मार्च में आपने मकान मालिक से मिला, बोला कि ठीक है हम बाहर जा रहे हैं, हम जून में आएंगे, तो मकान मालिक बोलेगा ठीक है आप जून तक किराया भर के जाओ, यानी जून तक आपको जो है अमाउंट जो है आपको मकान मालिक को जमा कराना होगा, नहीं तो हो सकता है आपके बीच दरमियान कोई ज्यादा पैसा दे दे और आपका मकान खाली करके कई सामान किसी गोडाउन में डाल दे दे और आपका किराएदार से आप वंचित हो जाए, तो इसलिए अग्रिम सारे लेन देनों में चलती है, अग्रिम का मतलब ये होता है। अब होता है यानी जून के पहले मई, उसके बाद आता है अप्रैल,
ये देखिए ये तीन और एक ऑलरेडी ये आपने फर्स्ट को मिला था, फर्स्ट मार्च को मिला था और आपको लास्ट जून में आना है, थर्टी एथ जून, जून थर्टी का होता है, तो जून में आपको आना है 30 तारीख को। तो आपको मकान मालिक जो है आपसे फोर मंथ, मार्च वन मंथ, अप्रैल टू मई थ्री एंड जून फोर, वन टू थ्री फोर, यानी फोर मंथ का किराया, सॉरी फोर मंथ का किराया मकान मालिक आपसे अग्रिम ले लेगा। मतलब अब इस पर लागू करना है इसको कॉस्ट इन एडवांस पर, जरा समझेंगे। तो आपको जाना था मार्च में लेकिन आपने जून तक का किराया दे दिया, अब इसको हम इस याचना को रखेंगे कॉस्ट इन एडवांस में, जरा समझेंगे। ये मान लीजिए अलॉटमेंट है मार्च, दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट, यहां समझिएगा, बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत बड़ा एरर है। और ये जून मीन्स मान लीजिए फर्स्ट कॉल, और या फाइनल कॉल, कुछ भी यहां पे लिख सकते हैं समझने के लिए। तो कंपनी ने मांग किया था अलॉटमेंट का, है ना, लेकिन आपने क्या किया, आपके पास एक्सेस मनी था, जनता के पास ज्यादा अमाउंट था, आप रहने वाले नहीं है, आपके पास पेमेंट करने की बाद में दिक्कत हो जाएगी, तो आपने अग्रिम भुगतान कर दिया कंपनी को, यानी किस याचना का, तो फर्स्ट कॉल देन फाइनल कॉल, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट का भुगतान आपने अलॉटमेंट में अग्रिम कर दिया एडवांस के रूप में। तो ये आपका बनता है कॉस इन एडवांस, मींस कंपनी ने अलॉटमेंट की मांग किया था लेकिन अल्सो, है ना, आपने पेड कर दिया फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, बिकॉज अलॉटमेंट के बाद, है ना, एंट्री पोस्ट होती है फर्स्ट कॉल की, उसके बाद फाइनल कॉल भी होती है। तो इस फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट आपने सपोज है जस्ट लाइक ये जून और जस्ट लाइक ये मार्च, यानी जून का पैसा आपने मार्च में दे दिया, मींस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जस्ट लाइक जून एंड अलॉटमेंट जस्ट लाइक मार्च, यानी जून का पैसा मार्च में देना अग्रिम हो गया, मींस फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का अमाउंट अलॉटमेंट में पेड करना, मींस ये हो गया अग्रिम हो गया, कॉस्ट इन एडवांस हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि कॉस्ट इन एडवांस होता क्या है, मैं आशा करता हूं कि आप बेटर इसको समझे होंगे। मैं आपके साथ थोड़ी कुछ सेकंड के लिए छोड़ रहा हूं कि आप जो है इसको नोट कर सके। ठीक है, ओके देन, अब हम लोग जब कॉस्ट इन एडवांस समझ गए स्टूडेंट, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, क्या है जर्नल पॉलिसिया, इरेज कर सकते हैं आपने, जरा समझेंगे जर्नल, जर्नल एंट्री, व्हाट विल बी जर्नल एंट्री इन द कंपनी, ये अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। आपको पता है मैंने पहले बताया कि कॉस्ट इन एरर या कॉस्ट इन एडवांस का लेखा हमेशा मांग के साथ नहीं, यानी ड्यू के साथ नहीं, यानी कंपनी जब रकम की किसी याचना की रकम प्राप्त करती है तो उसके साथ करती है। ठीक है, तो आपको यहां पे एंट्री करना होगा इसको, देखेंगे जरा, बैंक अकाउंट डेबिट टू टू परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू
cost in advance account. अब जरा समझेंगे, means आप अगर combine करना चाहते हैं तो combine भी करेंगे सारी अचना को, अगर नहीं तो ठीक है चलेगा, ये भी चलेगा क्योंकि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मैंने दोनों ले लिया है, टू हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अगर सिर्फ फर्स्ट कॉल लेते तो हम कंबाइन कर सकते थे, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विद एडवांस ऑफ कॉल्स, यानी कॉल्स की एडवांस रकम के साथ आपने क्या किया, अलॉटमेंट की राशि प्राप्त किया। अब यहां पे क्रेडिट क्यों हुआ, मैंने बताया कि एरर, और सबसे पहले आपको एरर को क्लियर करना होगा, कॉल्स इन एरर में, कॉल्स इन एरर बैंक के साथ जो है डेबिट होता था, है ना, अभी आपको बताया, लेकिन यहां पे क्रेडिट क्यों हुआ, कॉल्स इन एरर कंपनी के लिए लॉस होती है, कॉल्स इन एरर क्या होती है स्टूडेंट, कंपनी के लिए लॉस होती है, इसलिए कंपनी अपनी बहियों में कॉल्स इन एरर को डेबिट करता है, बिकॉज आपको पता है कि हानि है ना जस्ट बिलोंग टू नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑन एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑन गेन्स एंड इनकम, ये पता है आपको, तो खर्चा हानि को हमेशा डेबिट किया जाता है, लेकिन यहां पे कॉस्ट इन एडवांस क्रेडिट क्यों किया गया, यहां पे कॉस्ट इन एडवांस क्रेडिट एक्सपेंड इसलिए किया गया क्योंकि कंपनी को है ना दैट टाइम ऑफ अलॉटमेंट एक्स्ट्रा मनी आया है, एक्स्ट्रा अमाउंट आया है, तो इसलिए कंपनी को इस समय है ना बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो जब प्रॉफिट होगा तो किसी भी अचना को हम क्रेडिट कर सकते हैं, ये पता है आपको, खर्चा हानि को डेबिट करना, लाभ आय को क्रेडिट करना, तो यहां पे लाभ आय हो रहा है कंपनी को, इसलिए कॉस्ट इन एडवांस पर क्रेडिट किया गया। आफ्टर दैट आपको एंट्री करना है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का, तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के लिए एंट्री क्या होगा, दो नंबर आते हैं, मीन्स बैंक, इसका टॉपिक लिख ले बेटर होगा, व्हेन हैज एन फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव के समय इसका भी एंट्री किया जाता है, हम एक कदापि आपको मांग के समय मीन्स नहीं, ड्यू के समय नहीं, या ट्रांसफर के समय नहीं करेंगे, हमेशा यानी करेंगे तो प्राप्ति के समय, जब कंपनी मांग करेगी, जब आप भुगतान करेंगे तो कंपनी भुगतान का पैसा प्राप्त करेगी, यानी तो उस समय इसकी जनरल परीक्षा की जाएगी। यह रहा आपका एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पे देखिए कॉल्स इन एडवांस जो है, यहां पे कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हुआ है, लेकिन यहां पे डेबिट हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो कॉल्स इन एडवांस जिस जो फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल का रकम आपने एक्स्ट्रा भुगतान किया अलॉटमेंट में, या तो उसको आप क्या कर सकते हैं, घटाकर भी लिख सकते हैं फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल में, या आप दिखाते हुए कॉल्स इन एडवांस को जनाते हुए यानी दिखाते हुए भी एंट्री कर सकते हैं, जो पता चलता है कि यह एरर है और यह एरर किस रूप का था, तो बेटर होता है दिखा करना, घटाकर नहीं करना, तो दो भी दिया है, घटाकर भी लिख सकते हैं कॉल्स इन एडवांस की रकम, यहां घटाकर भी लिखा जा सकता है क्योंकि आपने अग्रिम दिया है,
लेकिन यहां पे आप इसकी जनरल परीक्षा है ना पोस्ट कर ही सकते हो। तो हम पोस्ट करते हैं, कॉस इन एडवांस ओके, या इसको और ऐसे भी हम लिख सकते हैं ग्रेजुएशन में, जैसे ग्रेजुएशन में कंपनी पढ़ी जाती है तो वहां पे कॉस इन एडवांस के जगह पर हम फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, है ना। यानी नाम से यहां कॉस इन एडवांस से करते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में हाई लेवल का हो जाता है तो वहां पे हम और में यहां पे आप फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, और मीन्स या फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, या तो ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। इससे पता चलता है कि यह रकम किसका है, तो फर्स्ट एंड फाइनल, सॉरी यहां पे होना चाहिए, सॉरी आई हैव डन मिस्टेक, नहीं या नहीं मीन्स यहां पर कॉल इन एडवांस के जगह पर आप फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल यहां पे आप लिख सकते हैं, सॉरी। तो यहां पे आपको कॉल इन एडवांस, तो यहां पे और में आप अलॉटमेंट दे सकते हैं, और में क्या दे सकते हैं, क्योंकि अलॉटमेंट से पता चलता है कि आपने अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का अग्रिम भुगतान किया था। मतलब यहां पे कॉल इन एडवांस के अलावा आप फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल लिख सकते हैं, और यहां पे कॉल इन एडवांस के अलावा है ना अलॉटमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपने अग्रिम जो भुगतान किया फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का किसमें किया है, तो अलॉटमेंट में किया है, इसलिए है ना यह अलॉटमेंट भी आप लिख सकते हैं। क्या डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी कॉल इन एडवांस या डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, मीन्स दोनों आप दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। यहां पे आप किसका रकम प्राप्त किए, तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का, तो और यहां पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ग्रेजुएशन फर्स्ट पार्ट वन में, ग्रेजुएशन पार्ट वन फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना है तो उसमें स्पष्ट कंपनी का इसरा इंडिया होती है, आप वहां पे कर सकते हैं, लेकिन आपको इंटर में उतना नहीं बताया जाता है, 12-11 जो भी होता है इसलिए थोड़ा स्लो लेकर चला जाता है, एरर को थोड़ा स्लो। तो आप समझ गए कि कॉल इन एडवांस के जगह पर आप क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, बिकॉज क्योंकि फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट है ना ईयर जो है आ रहा है, यानी पोस्ट कर रहे हैं, और यहां पे है ना कहां भुगतान किए थे, तो भुगतान किए थे अलॉटमेंट में, तो डिबेंचर अलॉटमेंट भी आप लिख सकते हैं कॉल इन एडवांस के जगह पर। तो बेटर होगा आप ये लिखो फिलहाल, जब आगे आएंगे तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ये जानकारी के लिए होता है कि कहां का अमाउंट आया, इसलिए आप दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, है ना, यहां पे आप लिख सकते हैं, यानी सॉरी यहां पे बच्चे क्रेडिट अमाउंट छूट गया है, यहां पे 2% डिबेंचर फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट, ये मिस्टेक, चलिए इसको आप एंट्री लिखेंगे नरेशन बीइंग फर्स्ट डिबेंचर, बीइंग डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, यहां पे आप लिख सकते हैं एक्सेप्ट छोड़कर, मतलब कितना जो है आपने अभी भुगतान किया था तो उसके लिए एक्सेप्ट लगाएंगे, एक्सेप्ट है ना द एक्सेप्ट ए लिखिए बेटा, फ्यू
है ना अमाउंट। ओके इरेज करते हैं, साफ साफ दिखेगा। तो ये रहा आपको कॉस इन एरर और कॉस इन एडवांस स्टूडेंट। अब आपको बताते हैं थोड़ा सा इसमें लेक्चर के रूप में, तो आप समझ गए कि कॉस इन एरर क्या होता है, कॉस इन एडवांस क्या होता है। अब आपको जो है इन रचनाओं में हमेशा याद रखना है क्या कि इस कॉस इन एडवांस का जर्नल एंट्री भी आपको हमेशा यानी मान के साथ नहीं, हमेशा कंपनी जब जनता भुगतान करती है तो उस भुगतान का जब जर्नल एंट्री कंपनी अपनी बैलियों में करती है उस समय किया जाता है ना। इस पर इंटरेस्ट भी होता है, कॉस्ट इन एरर पर भी इंटरेस्ट होता है, कॉस्ट इन एडवांस पर भी होता है, जो मैं कल आपको दूंगा। ठीक है ना, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, लाइट की समस्या है, लाइट कट के आ रहा है जा रहा है, तो इसलिए आज के लिए इतना ही। आप इसको अच्छी तरह से देख ले, एक बार स्क्रीन से आउट हो जाते हैं, उसके बाद आपको इसका अब कल से मैं ओवर सब्सक्रिप्शन थोड़ा बताएंगे आप लोगों को। ओवर सब्सक्रिप्शन का जर्नल एंट्री बताने के बाद कल प्रॉब्लम भी शुरू होगा, प्रॉब्लम नंबर वन से चलेगा, जो भी आपके उत्तर पुस्तिका में दिया हुआ है या प्रश्नों में दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ है, उस वहां से सीरियल नंबर से एक से आपका है ना क्वेश्चन प्रॉब्लम बनेगा। आप कृपया आप इसको जब समझेंगे तो किताब लेकर रखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन सर बताए हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप लोग से मेरा यही है रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरा पढ़ेंगे समझेंगे तो मेरे वचन पर ध्यान देंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। लिखना तो लिख देते हैं लेकिन उसको जो मैं बोलता हूं उस पर आप बेसिकली ध्यान देंगे। लिखना और बोलना बहुत कुछ है, लिखने को तो लिखा जाता है, किताबी भाषा रहता है वगैरह सब है ना, लेकिन बोलना और उसके संबंध में जानकारी देना है, एक अलग अपना मत होता है। इसलिए मेरे लेक्चर पर भी ध्यान देंगे और समझेंगे है ना। तो आज के लिए विद्यार्थी आपसे विदा लेते हैं, हैव ए नाइस डे, आप लोग खुश रहिए और अपने घर परिवार को भी खुश रखिए। स्टे योर होम एंड शेयर योर फैमिली। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।